Mango Opera Delight Pastry. Cream 250 grams. अब ये हम जो है मशीन को रोकेंगे. बटर डाल दूंगा मैं. मैंगो प्यूरी में जो है स्पैचुला के साथ मिक्स कर लूंगा. अच्छा, बटर जा चुका है क्रीम में. ठीक है, ये जो बेस है ये हम आपको बाद में बताएंगे. ठीक है, अभी आप देखते जाओ. चाहे तो गनाश भी यूज कर सकते हैं, ये तैयार स्प्रेड है इसलिए मैंने यही ले लिया. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. एक बारीक सी लेयर इसकी दे दें, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये भी हार्ड होगा, जैसे हमारी गनाश टाइट हो जाती है. अच्छा, तो ये हमारा जो लेयरिंग का काम है वो ये पूरा कर देगा. अब आ जाएगी सेकेंड लेयर. थ्री मिल्क मिक्सचर है या सिर्फ दूध है? सिर्फ कंडेंस मिल्क और पानी है. अच्छा, आधी आधी क्वांटिटी. अच्छा, दूध ले लें या पानी ले लें? ये वो क्रीम है जिसमें मैंगो प्यूरी और बटर डाला है. बस लेयरिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसकी, क्योंकि लेयरिंग बड़ी खूबसूरत, जितनी खूबसूरत आप लेयरिंग करेंगे उतना खूबसूरत आपकी पेस्ट्री दिखेगी. अच्छा, आपने चारों लेयर डाल दी इसी तरह? जी आप बस ये okay. अब ये ऊपर हम जो है इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे क्रीम की, और इसको रख देंगे फ्रीजर में. इंशाल्लाह आधे घंटे बाद हम इसे कट करेंगे. इसीलिए मैंने ग्लेज जो है वो न्यूट्रल ग्लेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, वरना पकाने वाला ग्लेज भी बनता है उसमें लग जाएगा टाइम. न्यूट्रल ग्लेज के अंदर प्यूरी डालेंगे इंशाल्लाह, उसी के साथ काम करेंगे हम. इधर आ गए हम स्पंज की तरफ. ऑपेरा का स्पंज बन रहा है. इसके लिए एग वाइट्स बीट कर रहे हैं 250 ग्राम. 250 ग्राम एग वाइट्स है, 8 अंडे की सफ़ेदी, और उसमें जाएगी बटर, और बटर था 260 ग्राम. बेहतर तो यही है आप चीज़ों का वजन किया करें, क्योंकि अंडों का भी साइज़ होता है. हाँ, उससे आपकी रेसिपी में फ़र्क आ जाता है. नहीं, अब आप लोग पता है इस पे कप्स पे और स्पून पे बिल्कुल भी नहीं जाए. आइसिंग शुगर भी साथ चली गई. ठीक है, अंडे की जर्दी गई. कॉर्न सिरप. कॉर्न सिरप आ गया. अच्छा, कॉर्न सिरप क्या करेगा, इसको मॉइस्ट रखेगा आप. अच्छा, मॉइस्ट रखेगा, स्पंज के अंदर अच्छा कलर आएगा. अच्छा, जिसके पास कॉर्न सिरप ना हो वो क्या? कॉर्न सिरप ना हो तो इसके अंदर आप न्यूट्रल ग्लेज भी डाल सकते हैं, और ना डालना चाहें तो स्किप कर दें. हनी भी डाल सकते हैं. हनी भी डाल सकते हैं. सारी चीज़ें ह्यूमेक्टेंट हैं ये. अच्छा, चीज़ों को नरम रखती हैं. ग्लिसरीन डाल सकते हैं. अच्छा, ईटेबल ग्लिसरीन. ये सब आपने इसे मिक्स कर दिया. लास्टली आपको इसमें मैदा डालना है 160 ग्राम, और इसी में आलमंड फ्लावर था. आलमंड फ्लावर मैंने पहले आइसिंग शुगर के साथ डाल दिया था. ओके, चाहे तो अलग अलग डाल दें, चाहे तो साथ डाल दें, मुश्किल नहीं. ठीक है, आलमंड फ्लावर, आलमंड मील, पिसे हुए बादाम. अच्छा, ये एग वाइट्स थी सिर्फ जो कि हमने बीट कर ली. एक वाइट कास्टर शुगर होगी जी. जब आप फॉर्मिंग मेथड के साथ काम कर रहे हो, यानी कि एक वाइट को फोल्ड करना हो आपको किसी हैवी मिक्सर में, तो शुरू में जो आप डालते हैं थोड़ा बहुत फॉर्म, उसके साथ आप पूरा मिक्स कर दें अच्छे तरीके से. ठीक हो गया, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है थोड़ा लिक्विडी हो जाए, और बाद में जो है आपको फॉर्म धीरे धीरे मिक्स करना है. समझ आया? पहले आपको थोड़ा सा एग वाइट डाल के फोल्ड करना है, उसके बाद एहतियात से कर लें ताकि एयर कम से कम निकले. ये 13x18 साइज की स्विस रोल ट्रेज हैं. तकरीबन जो है आधा मिक्सर इसमें डाल देंगे दोनों में अंदाजे से. ठीक है, बेकिंग पेपर लगा सकते हैं, नॉन स्टिक ऑयल लगा सकते हैं, सिल्पेट लगा सकते हैं. मैंने अभी जो है नॉन स्टिक ऑयल लगा लिया है ट्रे पे. ठीक है, बाकी बेकिंग के दौरान ये खुद ही मजीद सेट हो जाता है. डालूं? जी आपा, एक ट्रे ऊपर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी. बड़ी एहतियात से इसकी कटिंग कर देंगे.
और अच्छा ठंडा करके काटेंगे और अच्छा बनेगा। कभी अगर ऐसा हो जाता तो आप नाइफ के साथ जो है इसको हाथ के हाथ ठीक कर सकते हैं। प्लास्टिक की शीट है, उस पर उन्होंने चॉकलेट मेल्ट करके डाली है तो उसका शेप आ गया है पूरा। गरम छुरी के साथ आपने इसको काट लेना और ये हमारी डार्क चॉकलेट है। चलें आप जल्दी से करें जी। ये हो गया, आप खोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। मैंगो की क्यूब्स, मैंगो ओपरा डिलाइट पेस्ट्री, आमंड स्पंज के लिए अज्जा, मक्खन 260 ग्राम, आइसिंग शुगर 20 ग्राम, अंडे की जर्दी 150 ग्राम, कॉर्न सिरप 20 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, आमंड फ्लावर 60 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, मिक्सचर 2, अंडे की सफेदी 250 ग्राम, कास्टर शुगर 140 ग्राम, मैंगो फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा, विपी विप क्रीम 250 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, मैंगो पल्प ब्लेंडेड 100 ग्राम, लेयर के लिए अज्जा, मिल्की फूड चोको डार्क स्प्रेड 500 ग्राम, आम छोटे टुकड़े 200 ग्राम, मैंगो ग्लेस के लिए मैंगो प्यूरी 100 ग्राम, न्यूट्रल ग्लेस 100 ग्राम, मैंगो एसेंस चंद कतरे, पीला रंग थोड़ा सा।